कैसे हो आप सब लोग, मैं हूँ प्रतीक। और अभी जो आपने शॉर्ट्स देखे थे ये थे एक्सेल 6 के, और आज जो हम वेरिएंट देखने वाले ये है ऑटोमेटिक वेरिएंट। एंड हमारे साथ में आज वैभव सर। वैभव सर प्लीज वेलकम टू अवर चैनल। सो वैभव सर के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। वैभव सर यहाँ पे अमरावती में रीजनल मैनेजर है नेक्सा में, सॉरी रिलेशनशिप मैनेजर है नेक्सा में, ठीक है। सो वैभव सर आज हमें बताने वाले कि इसमें आपको क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं एक्सेल 6 में, उसके बाद में गाड़ी का जो प्रीमियमनेस है, गाड़ी की मटेरियल एंड एज वेल एज क्वालिटी ऑफ मटेरियल, ये सब चीज़ें शेयर करने वाले हैं। उसी के साथ में किया कैरेंस से इसमें आपको ज़्यादा क्या क्या मिलता है, ये पूरी डिटेल्स आज हमारे साथ में वैभव सर शेयर करने वाले हैं। थैंक यू। सो सर प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को थोड़ा गाड़ी एक्सप्लोर करके बताइए आप। जी जी। अभी ये जो एक्सल 6 है ये 1.5 लीटर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन में आता है, जो नेक्स्ट जनरेशन हाइब्रिड इंजन के साथ में आता है, आपको जो BS6 कंप्लाइंट के साथ में आता है। जनरली इसमें आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, जीटा एंड अल्फा। जीटा ऑटोमेटिक एंड मैनुअल, इसमें दोनों के ऑप्शन अवेलेबल है। अल्फा में भी मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों के ऑप्शन अवेलेबल है इसमें। तो जनरली इसमें मोस्ट ऑफ द सेलिंग प्रोडक्ट है जीटा मैनुअल एंड अल्फा मैनुअल। सेकेंड थिंग, आपको इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल हाइब्रिड इंजन है, जो नेक्स्ट जनरेशन हाइब्रिड के साथ में आपको मिलता है, जिसमें आपको फ्यूल इफिशियंसी काफ़ी अच्छी मिलती है। 19.1 का माइलेज इसमें मैनुअल में देख रहे हैं। ओके okay. तो जनरली इसमें आप अभी अपन जो वेरिएंट देखने जा रहे हैं ये टॉप वेरिएंट है अल्फा मॉडल, जिसमें आपको सब कुछ सारे फीचर्स मिलते हैं। जैसे कि इसमें अल्फा में ऑटोमेटिकली LED 4 chamber कॉर्ड रिफ्लेक्टर हेडलैम्प आपको इसमें मिलता है, जो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होता है। लीड मी व्हीकल फॉलो मी असिस्ट के साथ में आता है। फॉग लैम्प भी LED में आपको मिलता है। ओके। सेकंड थिंग कि इसका जो पावर है ये 138, इसका जो टॉर्क है 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क है इसमें, और 77 किलोवाट पावर जनरेट करता है जी। सेकंड थिंग इसका जो स्पेस है, कैबिन स्पेस सबसे ज्यादा कस्टमर को सबसे ज्यादा पसंद आता है। मुझे तो अभी मतलब ऐसा लग रहा नहीं कि मैं एक बजट कार में बैठा हूँ, मुझे रियली सर ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मैं एक इनोवा में बैठा हूँ। जी जी। क्योंकि जो बीच का जो फ्रेंड्स लेग स्पेस है ना बहुत ज्यादा है, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड जो एक प्रीमियमनेस बोलते हैं ना, काफी अच्छा है गाड़ी का सर। और हमारे थोड़ा व्यूवर्स को बताएं, जैसे अभी जैसे किया कैरेंस ये कम्प्लीटली न्यू प्रोडक्ट है, सो उससे अगर हम इसको कंपेयर करें तो इसमें एडिशनल फीचर्स क्या क्या है। किया कैरन काफ़ी एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया है जो किया कंपनी ने, जो जिसमें आपको सारे फीचर्स किया के हिसाब से लगभग मिल जाते हैं। अभी जो एक्सल 6 में आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती है, जो है कैबिन स्पेस काफ़ी अच्छा दिया है किया कैरन से। सेकंड थिंग, इसमें आपको जो हाइब्रिड फीचर्स है, जो हाइब्रिड इंजन है, वो आपको किया में नहीं मिलता है। जो हाइब्रिड होने के कारण फ्यूल इफिशियंसी काफ़ी अच्छी है, जो कि आज के ज़माने में बहुत मोस्ट है, टॉप प्रायोरिटी, मोस्ट प्रायोरिटी है। फ्यूल इफिशियंसी काफ़ी अच्छी है किया कैरेंस से, जो किया में आपको पेट्रोल इंजन में काफ़ी कम माइलेज मिलता है एज पर कंपेरेटिव एक्सेल 6। सेकेंड थिंग कि इसमें जो आपका लोएस्ट मेंटेनेंस है, मारुति सुजुकी का सबसे लोएस्ट मेंटेनेंस, ये बहुत बड़ा रिलायबल ब्रांड भी है। जी जी जी। सबसे लोएस्ट मेंटेनेंस है इसका, जो काफ़ी लोगों को पसंद आता है। पसंद आता है। सेकंड थिंग कि इसका सर्विस आपको हर जगह मिल जाता है, एवरी 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही आपको। मारुति का नेटवर्क बहुत अच्छा, बहुत, स्ट्रॉंग बहुत बड़ा है। राइट। इन फ्यूचर आप कोई भी मारुति की गाड़ी लेते हैं तो आपको आप सबसे पहले सर्विस से इंप्रेस हो जाएंगे। एंड उसी की वजह से मारुति आज टॉप लेवल पे वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग इंडियाज कार ब्रांड है। जी जी। सेकेंड थिंग, इसका व्यू काफ़ी अच्छा है, जो अपन कैबिन में, जो कैबिन में बैठे हैं, जो पूरा पैनारोमिक व्यू आपको मिलता है दोनों साइड से, बोथ टॉप टू साइड, आपको काफ़ी वाइड फील करवाएगा। और बाकी फीचर्स की अगर बात की जाए तो इसमें मोस्ट ऑफ द सभी फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल बटन, क्रूज कंट्रोल, स्टेयरिंग एडजस्टेबल, सीट एडजस्टेबल, ये काफ़ी कन्वीनियंट फीचर है। रियर एसी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है समर सीजन में। सेकेंड थिंग, इसमें आपको स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट स्टूडियो सिस्टम मिलता है, जिसमें आपको एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो, मैप, नेविगेशन, सारी चीज़ें आप इसमें यूज कर पाएंगे। इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलता है। ओके। उसके बाद में आपको ग्लास कूलिंग का वेंट दिया है यहाँ पे। ओके।
पीछे में स्पेस काफी अच्छा है, पीछे में अपने जैसे दो लोग आराम से बैठ सकते हैं और एडल्ट्स भी बैठ सकते हैं, एडल्ट्स भी बैठ सकते हैं, सीट इजीली फोल्ड कर सकते हैं, वो रिक्लाइनेबल भी है, रिक्लाइनेबल है पूरा सीट्स जो है ना ये पीछे फोल्ड हो जाता है, 50-50 फोल्डेबल सीट है इसमें। सो फ्रेंड्स अभी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अभी जो हमारे साथ में वैभव सर ने इतने अच्छे पॉइंट शेयर किए गाड़ी के बारे में, सो थैंक्स अ लॉट वैभव सर फॉर शेयरिंग दिस पॉइंट्स विद आवर व्यूअर। और अभी फ्रेंड्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको कंप्लीट गाड़ी का वॉक अराउंड एज वेल एज गाड़ी के इंटीरियर कवर करने वाला हूं। फ्रेंड्स अभी हम देखने वाले हैं एक्सेल 6 का कंप्लीट एक्सटीरियर वॉक अराउंड। सो ये देखिए गाड़ी फ्रंट से कुछ इस तरह दिखती है जो कि काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव लुक है। और सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद आया वो है इसके हेडलैम्प्स। देखिए कम्प्लीटली आपको यहाँ पे LED सेटअप मिलता है, दिस वन इज़ लो बीम एंड दिस वन इज़ हाई बीम, बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। एंड उसी के नीचे देखिए ये है हमारा कम्प्लीटली DRL एंड दिस वन इज़ सिंपल इंडिकेटर जो कि हेलोजन है, ये भी मैं चाहता था कि इन्होंने LED में देना चाहिए था। अगर हम थोड़ा सा नीचे आए सो ये देखिए फॉग लैम्प्स भी इन्होंने कम्प्लीटली LED रखे हैं, ठीक है, मतलब एक जो बोल सकते हैं प्रीमियमनेस वो इसमें भी एक्सटीरियर में भी आपको दिख कर आता है। यहाँ पे आपको रेडिएटर ग्रिल पे कम्प्लीटली क्रोम स्ट्रिपिंग मिलती है। सो फ्रेंड्स देखिए छोटी छोटी बातें रहती है जिससे कि गाड़ी और उसका लुक एनहांस होते ही जाता है। आफ्टर दैट यहाँ पे नीचे फ्रंट स्किड प्लेट से थोड़ा बोल सकते हैं क्रॉसओवर की तरह लुक दिया हुआ है। अभी हम देखने वाले हैं गाड़ी का साइड व्यू। सो अभी देखिए फ्रेंड्स हम साइड व्यू देख रहे हैं गाड़ी का जो कि काफ़ी अच्छा दिखता है एंड नियर अबाउट बोल सकते हैं अर्टिगा जैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा अर्टिगा से ये भी बताता है ये लुक कि ये अर्टिगा से थोड़ा ऊपर वाला वेरियंट आता है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मिलते हैं व्हील आर्क क्लैडिंग कम्प्लीट, उसके बाद में हमारे एलॉयस जिस जो कि टायर साइज़ है हमारी 185/65 एंड R15, काफ़ी अट्रैक्टिव व्हील्स लगते हैं इसके एलॉयस। एंड फ्रंट में आपको मिलता है यहाँ पे डिस्क ब्रेक, वहीं पे यहाँ अगर हम ऊपर देखें सो यहाँ पे देखिए ORVM पे हमें कम्प्लीटली इंडिकेटर मिल जाते हैं। उसी के साथ में यहाँ पे देखिए डोर पे हमें रिक्वेस्ट सेंसर भी मिलते हैं जो कि कीलेस एंट्री बोल सकते हैं आप। एंड साइड से देखिए फ्रेंड्स गाड़ी काफ़ी लंबी है। अगर मैं बात करूँ देखिए सेकेंड रो पैसेंजर के लिए इतनी लंबी सीट कोई भी अदर कंपनी नहीं देने वाली है आपको, देखिए बहुत सारा लंबा है, जैसे बोल सकते हैं इनोवा में कैसे थोड़ा स्पेस ज़्यादा है वैसे ही इसमें आपको मिलने वाला है, कम बजट में अच्छा माहौल आप कर सकते हैं। आफ्टर डैट अगर मैं इसके रियर प्रोफाइल की बात करूँ सो यहाँ पे भी आपको बहुत सारा LED सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। ये देखिए मेरा इसका टेल लैम्प जो कि कम्प्लीटली LED सेटअप आता है एंड इंडिकेटर सेम हमारा सिंपल हेलोजन। और ये जो आप साइड वाला देख रहे हैं एलिमेंट ये कम्प्लीटली रिफ्लेक्टर है, इसमें आपको कोई भी लाइट नहीं मिलने वाला है। और अगर मैं बात करूँ इसकी सो यहाँ पे देखिए आपको मिलता है डिफ्रॉगर एज वेल एज वाइपर एंड हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प। अगर हम नीचे के साइड में आए सो यहाँ पे आपको मिलते हैं 4 पार्किंग सेंसर्स एंड यहाँ पे मिलने वाला है आपको कैमरा, ये देखिए सिंपल वाला कैमरा है, इट्स नॉट एन 360 डिग्री कैमरा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया एज ए गाड़ी हाइब्रिड है सो यहाँ पे देखिए हाइब्रिड की बैजिंग एंड नीचे यहाँ पे रिफ्लेक्टर। लेकिन ये फ्रेंड्स बता दूँ आप लोगों को कि इससे लुक गाड़ी का काफ़ी एनहांस हो रहा है। और इसके जो टेल लैम्प्स हैं ना फ्रेंड्स वो थोड़े बहुत वॉल्वो के जैसे लगते हैं। यहाँ पे अगर हम साइड में देखें सो यहाँ पे देखिए हमें रूफ रेल्स मिलते हैं कम्प्लीटली पूरे एंड तक कैरी फॉरवर्ड किए गए हैं। सो अभी हमने देख लिया गाड़ी का कम्प्लीट एक्सटीरियर, अभी हम देखने वाले गाड़ी के इंटीरियर। सो फ्रेंड्स अभी देखिए अभी बिफोर एंटरिंग द इंटीरियर ऑफ दिस कार अभी मैं आपको इसकी की बताना चाहता हूँ। सो ये देखिए गाड़ी की यहाँ पे सिंपल सी की है, यहाँ पे आपको लॉक एंड अनलॉक की बटन मिलने वाली है, ठीक है। एंड ये की हेल्प से आप गाड़ी के हेडलैम्प्स भी ऑन कर सकते हैं। अभी देखिए जैसे हमें अनलॉक की बटन प्रेस करना है, ये देखिए इसके हेडलैम्प्स ऑन हो गए। एंड सेम अगर हम अभी इसके अगर लॉक करते सो ये देखिए
बंद हो गए। ठीक है, अभी जाते हैं हम गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। अभी तक देखिए यहाँ से आप रिक्वेस्ट सेंसर की हेल्प से भी डोर ओपन कर सकते हैं। ये देखिए अभी लॉक हुई थी, अभी अनलॉक। सो फ्रेंड्स देखिए अभी हम देखने वाले हैं गाड़ी का कंप्लीट इंटीरियर। सो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जैसे ही हम डोर ओपन करते हैं, ये जो टेक्सचर देख रहे हैं ना, इसने मेरा मन जीत लिया। ठीक है, मतलब एक अलग ही टेक्सचर है जिसका नाम है स्टोन फिनिशिंग टेक्सचर, काफ़ी अच्छा दिखता है। एंड उसी के नीचे हमें मिलता है कम्प्लीटली क्रोम डोर हैंडल्स। यहाँ पे अगर हम देखें चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल एज वेल एज साइड मिरर के कंट्रोल्स, नीचे मिलता है 1 लीटर बॉटल होल्डर एज वेल एज सम अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस। अभी मैं गाड़ी का इग्निशन ऑन करता हूँ सो दैट कि मैं आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कैसे दिखता है ये बता सकूँ। कम्प्लीटली एनालॉग मीटर है ये देखिए, लेकिन जो ऊपर वाली आप जो छोटी सी लाइट स्ट्रिपिंग देख रहे हैं जो कि ग्रीन कलर में अभी आ रही है, ये मतलब कलर चेंजिंग वाली है जिससे कि मतलब रात को काफ़ी अच्छा व्यू आता है ये एक कम्प्लीट। एंड यहाँ पर आपको कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है फ्यूल ट्रिप। ये देखिए स्क्रीन पे भी जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है यहाँ पे भी आपको अलर्ट्स मिलने वाले हैं। टच स्क्रीन का देखिए स्मूथ, बहुत ही मतलब जो टाइम रिस्पॉन्स बोल सकते हैं वो बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। ये देखिए बहुत ही अच्छा है, ये आपको कंप्लीट इंडिकेशंस देने वाला है एज वेल एज आपकी गाड़ी कहाँ तक चलने वाली है, डिस्टेंस टू एम्प्टी बोल सकते हैं, उसका रनिंग एवरेज देख सकते हैं, कंप्लीट ये चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे मिलता है आपको स्टोन फिनिशिंग टेक्सचर, ये कंप्लीट इंटीरियर में गाड़ी का डैशबोर्ड तक भी फॉलो किया गया है। ये देखिए इंटीरियर बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, इसका ग्लो बॉक्स। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कंप्लीटली आपको मिलता है ऑटोमेटिक एसी जिसे बहुत सारे लोग ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल भी बोलते हैं। नीचे अगर हम देखें 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट, फास्ट चार्जिंग एज वेल एज USB, उसके बाजू में थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस मिलता है। एंड सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे लगी वो है ये वाली चीज़, ये कप होल्डर्स है फ्रेंड्स यहाँ पे, लेकिन एक्स्ट्रा फीचर जो एड ऑन किया है वो है कूलिंग वाला। ठीक है, और अभी जैसे मैंने बताया कि ये हम जो गाड़ी देख रहे हैं ये है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, यहाँ पे देखिए इसका गियर लेवल थोड़ा सा अलग आता है। ठीक है, अभी देखिए एक एक मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे कि रिवर्स डाला है देखिए कम्प्लीटली रिवर्स कैमरा ऑन हो गया और यहाँ पर भी हमारे डिस्प्ले होने वाला है। अभी देखिए अभी डालता हूँ मैं न्यूट्रल, N फॉर न्यूट्रल, ये देखिए यहाँ पे हमें N दिखने वाला है। अभी देखिए D फॉर ड्राइव, यहाँ पे देखिए MID पे D फॉर ड्राइव। एंड अभी देखिए जो मैं ये गियर डाल रहा हूँ ये है 2, टू किस चीज़ के लिए होता है, ये होता है हिली एरियाज में यूज़ मैक्स टू मैक्स, एंड लास्ट वन इज़ L। L आपको काम में आता है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, बहुत काम की चीज़ है, मतलब गाड़ी ज़्यादा लोड नहीं लेने वाली है। ठीक है, एंड आफ्टर डैट ये जो आप साइड पे इसकी बटन देख रहे हैं ये स्पेशली यूज़ होती है जब आप कोई गाड़ी को ओवरटेक करते हैं तब इसका यूज़ होता है मैक्स टू मैक्स टाइम। ठीक है, उसी के बाद में यहाँ पे देखिए हमारा सिंपल सा हैंड ब्रेक, आफ्टर डैट सिंपल आर्म रेस्ट, उसी के नीचे हमें थोड़ा सा छोटा सा एक स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। एंड आफ्टर दैट सबसे अच्छी चीज़ ना मुझे इसकी सीट लगी है, देखिए बहुत अच्छी सीट्स है कम्प्लीटली, मतलब आपको एक टाइट हग करके रखेंगी सीट, ऊपर वैनिटी मिरर विथ लाइट्स, एंड यहाँ पे बीच में भी आपको 2 लाइट्स मिल जाते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट सनग्लास होल्डर देखिए, एंड राइट साइड में भी आपको सेम टू सेम मिलने वाला है। ठीक है, विथ लाइट। अभी देखिए यहाँ पे आपको बस मुझे थोड़ा अच्छा ये नहीं लगा कि ये ऑटो डिमिंग नहीं है, मैनुअल है। यहाँ पे अगर मैं स्टेयरिंग की बात करूँ लेफ्ट साइड में साउंड सिस्टम रिलेटेड कंट्रोल्स, एंड राइट साइड में हमारा क्रूज कंट्रोल, आफ्टर डैट नीचे कॉल रिलेटेड मतलब फ़ोन रिलेटेड कंट्रोल्स, एंड हमें यहाँ पे मिलते हैं 2 एयरबैग्स। ठीक है, अभी देखिए ये हमारे वाइपर्स के कंट्रोल एंड दिस वन इज़ लाइट के कंट्रोल, ये रही हमारी पुश स्टार्ट स्टॉप की बटन, आइडियल स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन ऑन एंड ऑफ, एंड ये रही हमारी लास्ट वन हमारा हेडलैम्प एडजस्टर। ठीक है, यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस मिलता है फ्रेंड्स स्टेयरिंग के नीचे, ये देखिए यहाँ पे आप आपके कार्ड्स भी रख सकते हैं। अभी हम जाने वाले हैं सेकेंड रो में,
सो फ्रेंड्स अभी हम आ गए सेकंड रो की तरफ। यहाँ पे मिलता है आपको कम्प्लीटली क्रोम डोर हैंडल, उसी के साथ में सेम जैसे टेक्सचर थामने था वैसे ही 1 लीटर बॉटल होल्डर एंड उसी के बाजू में थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस। यहाँ पे देखिए कैप्टन सीट मिलने वाली है आपको जो कि रिक्लाइनेबल है, ये देखिए बहुत अच्छी सीट्स है। ये आप ऊपर उठा के इसको फोल्ड भी कर सकते हैं थर्ड रो में जाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। आफ्टर दैट इसको आप थोड़ा सा आगे पीछे भी कर सकते हैं, मतलब सीट्स जो है ना इसकी काफ़ी अच्छी है फ्रेंड्स, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी। अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ अंदर क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ पे ऊपर मिलने वाला आपको एसी के वेंट्स एंड उसी का रेगुलेटर स्पीड का, आफ्टर दैट ग्रैब हैंडल एंड नीचे सेम टू सेम टेक्सचर जो कि सामने था। यहाँ पे हेडरेस्ट भी मिलने वाले हैं एज वेल एज आपको आर्म रेस्ट भी मिलने वाले हैं फ्रेंड्स। ये देखिए बहुत अच्छा, मतलब एक बोल सकते एक अच्छी फीलिंग देता है आपको। रियर में भी आपको चार्जिंग सॉकेट मिलने वाला है एंड उसी के नीचे थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस भी मिलने वाला है ताकि आप आपके मोबाइल रख सके चार्जिंग के वक्त। आफ्टर दैट ऊपर यहाँ पे मिलता है हमें लाइट सेकेंड रो और थर्ड रो के बीच में, सो दैट कि दोनों को अच्छे से विजिबिलिटी प्रॉपर आ सके। एंड थर्ड रो भी काफ़ी अच्छी है फ्रेंड्स, इसकी खुली खुली सी है। सो अभी देखिए फ्रेंड्स वैभव सर हमें बताने वाले हैं थर्ड रो में कैसे जाना पड़ता है। देखिए कंप्लीट इतना सारा स्पेस बच जाता है, ये देखिए। अभी अगर मैं ये सीट फोल्ड करूँ एंड इसको थोड़ा रिक्लाइन भी करूँ सो देखिए काफ़ी अच्छी स्पेस बचती है बीच में लेग स्पेस। इसको मैं अगर थोड़ा पीछे भी ले लूँ, ये देखिए इतना सफिशिएंट है। ये देखिए अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे मेरा इतना इतना लेग स्पेस बच रहा है, ठीक है। अभी देखिए पीछे वैभव सर बैठे हुए हैं, हाइट देखिए कितना रिलैक्सली बैठ गए, हेड रूम भी काफ़ी अच्छा है। आफ्टर दैट यहाँ पे देखिए लेग रूम, बहुत अच्छा लेग रूम बच रहा है बीच में जिससे कि गाड़ी और कंफर्टेबल लगती है। एंड आफ्टर दैट अगर मैं रियर सीट्स की बात करूं सो यहाँ पे देखिए आपको कप होल्डर भी मिलने वाला है, उसी के साथ में चार्जिंग सॉकेट भी मिलने वाला है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे रिक्लाइनिंग सीट्स भी मिलने वाली है, पीछे आपको हेडरेस्ट भी मिलने वाले हैं एज वेल एज रिक्लाइनिंग सीट्स, ये देखिए। एंड ये सीट्स को आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं अभी देखिए, ठीक है। देखिए इसको कम्प्लीटली फ्लैट भी कर सकते हैं जिससे कि आपका बूट और भी बड़ा होता है, ठीक है। एंड ये वाली सीट भी आप सेम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं गाड़ी का बूट, सो फ्रेंड्स ये देखिए गाड़ी का बूट एंड इसका जो बूट स्पेस है वो मिलता है आपको 109 लीटर्स। एंड ये जो आप स्पेस देख रहे हैं अभी हो गया हमारा 550 लीटर का बूट स्पेस। यहाँ पे नीचे देखिए और भी स्टोरेज स्पेस मिलता है आपको, एंड अगर आप बात करेंगे स्पेयर व्हील की सो स्पेयर व्हील आता है हमारा नीचे। फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ इसके वेरिएंट्स की सो यहाँ पे मिलते हैं आपको टोटल 2 वेरिएंट्स, जीटा एंड अल्फा, मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। सो जीटा पड़ता है आपको लगभग 12.46 ऑन रोड एंड अल्फा पड़ता है 13.19 ऑन रोड। वहीं पे अगर मैं इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट की बात करूँ सो जीटा पड़ता है आपको 11.33 एंड ऑन रोड पड़ता है 13.89 एंड अल्फा पड़ता है आपको 12 लाख एक शोरूम एंड ऑन रोड जाता है लगभग 14.59। और ये मैंने जो भी आपको प्राइसेस बताए ये थे विद एक्सेसरीज गाड़ी के। सो फ्रेंड्स ये था हमारा एक शॉर्ट वीडियो अबाउट द XL6। सो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइए। एंड वैभव सर थैंक्स अ लॉट कि आप हमारे चैनल पे आए और इतने सारे पॉइंट्स हमारे साथ में शेयर किए, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स एंड अगर आपको और भी कोई डिटेल्स चाहिए सो मैं वैभव सर का एज वेल एज अमित भैया है उनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, सो आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।